चलो आज एक मजेदार कहानी सुनते हैं। ये कहानी में एक जंगल है, देयर इज अ डेंस फॉरेस्ट एंड इन दिस डेंस फॉरेस्ट देयर आर स्वीट ज्यूसी टेस्टी पल्पी फ्रूट्स। और जहां ऐसे फ्रूट्स होते हैं यहां मंकीज तो होंगे। सो वॉचिंग दिस मेनी मंकीज अ कैरवन थॉट दैट कि व्हाई आई कैन यूटिलाइज दिस मंकीज फॉर माई सर्कस। So with this plan, he comes midnight with his team, with a trap. वो trap के साथ आता है और उस trap में बंदरों को पकड़ने के लिए bait रखता है और वो bait था peanuts. He keeps peanut as a bait. Now in the morning, एक monkey देखता है वो bait को, वो मूंगफली को। जैसे ही वो मूंगफली लेने जाता है उसके हाथ पे trap लग जाता है। जैसे ट्रैप लगता है वो चिल्लाता है और उसकी चीख सुन के, उसका रोना सुन के और मंकीज आ जाते हैं भाग भाग के। मंकीज को भी मूंगफली दिखती है, वो लोग भी ये बेट में फंस जाते हैं, वो ट्रैप में फंस जाते हैं और बहुत सारे मंकीज वो ट्रैप के अंदर फंस जाते हैं। सो एज पर द प्लान बहुत सारे मंकीज फंस गए और सर्कस के मालिक को, कैरवन को, बहुत सारे मंकीज मिल गए। नाउ माय फ्रेंड्स, कहानी ऐसी है, इनफैक्ट मुझे ये पूछना है कि क्या ये मंकी पागल बोल सकता हो? इतने सारे ज्यूसी टेस्टी पल्पी फ्रूट्स को छोड़ के वो एक मूंगफली के पीछे गया, मतलब मूंगफली के बदले में उसको कितने सारे पल्पी फ्रूट्स थे। कैन आई से ही वॉज मैड? कैन आई से ही वॉज स्टुपिड समवेयर दैट लीविंग दिस ज्यूसी पल्पी फ्रूट्स ही वॉज जस्ट ट्रैप्ड in this bait, in this peanuts. So he was a stupid monkey, he was a mad monkey. My friends, can I say that are we similar to that monkey? Are we also stupid somewhere and we also get trapped in some wrong baits? Which bait are you thinking? My friends, there are three baits, three traps are there. These traps are nothing but this question mark, full stop and exclamation. We actually don't enjoy the fruits of our life. Our fruits are our family, our friends, our well-wishers. We don't enjoy them and we actually get trapped in this question mark, full stop and exclamation. Now, we ask so many questions. Like, isne mere saath aisa kyun kiya? Hey Bhagwan, mere saath aisa kyun hua? So asking these questions, we are actually getting trapped in this. We actually use this full stop many times. इसने मेरे साथ ऐसा किया ना, अभी मैं बात नहीं करूंगा। हम full stop लगा देते हैं उस इंसान पे, उस रिश्ते पे हमारी लाइफ के अंदर, और हम ट्रैप हो जाते हैं खुद। Exclamations, oh, इतना tragic incidents हुआ, और negativity हम हमारी लाइफ में भर देते हैं। My friends, These are the traps, और जो fruits है हम उसको देख नहीं पाते, हम उसको enjoy नहीं करते। ये traps को हमें निकालना पड़ेगा। अगर ये traps नहीं होंगे तो हम हमारी life को enjoy कर पाएंगे और खुशी खुशी जी पाएंगे। तो क्या करना चाहिए? ये trap को हमें निकालना पड़ेगा। My friends, ये trap को आपकी जिंदगी से निकाल दो, फाड़ दो, इनफैक्ट उसका कचरा कर दो और उसको फेंक दो तुम्हारी जिंदगी से। और जब तुम ये करोगे, यू विल सी योर लाइफ इज कंटिन्यूस, एंड योर लाइफ इज कंटिन्यूस, योर लाइफ विल बिकम ब्यूटिफुल। माई फ्रेंड्स, यू विल एंजॉय योर लाइफ एंड देन यू कैन एक्सपीरियंस दैट माई लाइफ इज ब्यूटिफुल। सो जस्ट गेट रिड ऑफ दिस ट्रैप्स एंड मेक योर लाइफ कंटिन्यूस। लाइफ इज ब्यूटिफुल माई डियर फ्रेंड्स, लाइफ इज ब्यूटिफुल। हम समझदार होते हुए भी कभी कभी कुछ चीजों को, मैं कहूंगा कुछ लोगों को, कुछ रिश्तों को नहीं समझ पाते। फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू मी देर आर टू थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट इन अ जर्नी ऑफ अ लाइफ। हमारी लाइफ में दो चीजों का महत्व होता है। एक होता है हमारा कैरेक्टर, which is actually inbuilt in us, which is developed by our upbringing, by our surroundings. And when it's developed, it stays with us forever.
और दूसरा होता है हमारा बिहेवियर, जो वक्त के साथ एज पर द सिचुएशन इट कीप्स ऑन चेंजिंग. सो माय डियर फ्रेंड्स, वी आर एक्चुअली कंफ्यूज्ड बिटवीन दिस कैरेक्टर एंड बिहेवियर. देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन अ कैरेक्टर एंड बिहेवियर. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर एंड बिहेवियर विद स्मॉल एग्जाम्पल. हम जो घर पे रहते हैं, हमारे घर में दीवारें होती है. दिस कैरेक्टर इज लाइक दिस वॉल, इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ आर लाइफ विच कैनॉट बी चेंज. हम चाहे तो भी इसको बदल नहीं सकते. बट इस दीवार पे जो रंग लगा हुआ है, इस घर में जो इंटीरियर है, जो डेकोर है, दैट इज अवर बिहेवियर विच कीप्स ऑन चेंजिंग एज पर द टाइम, एज पर द रिक्वायरमेंट्स. एंड we fail to understand the threshold between the character and behavior, and which is one of the main underlying reason for any conflicts in any relationships. Let us see one example. Just imagine that one gentleman is walking on the road. Ek sajjan chal rahe hai aur thoda tension mein, he was a bit tense because of something happened to him, and in that situation he just receives a messaging message aata hai unko, aur wo mobile pe message dekh rahe the, and ek female ko jaake takra jata hai, thoda sa dhakka lag jata hai. My dear friends, I repeat, he was not intent to even touch that female, so should he be blamed? But hota kya hai, are andhe ho kya, dikhai nahi deta hai kya, sanskar diye tumhe, tumhari umar to dekho zara. And in the same scenario, say for example repeats with a like a Romeo type, Tapori type one person, जो रोड पे हर लड़की को छेड़ रहा है, can I say his character can be compared with the gentleman? No. This gentleman character was not wrong, his behavior may be wrong, but this road type person was character was yes 100% wrong. So this is the main mistake we do oftenly. We actually mix behavior and character. I repeat, I am not justifying that gentleman that he was right, but the mistake what we do, we directly attack on the character as per their behavior. We actually judge, we doubt, we evaluate someone's character on the behavior. Kya ye kharab character ka label lagana sahi hoga ye gentleman pe? यही मेन गलती होती है हमारी माय फ्रेंड्स. हम उनके बिहेवियर को कैरेक्टर समझ के ये सब कंफ्यूजन पैदा करते हैं और हमारे रिश्ते शायद से खराब हो जाते हैं. कैरेक्टर बहुत कुछ होता है. कैरेक्टर बेसिक नेचर होता है. दे आर द एलिमेंट्स, दे आर द एट्रीब्यूट्स, हाउ दे अप्रोच, हाउ दे टॉक टू पीपल. कैरेक्टर मेरे हिसाब से सब कुछ होता है. And we come up with a minor complaint sometimes, like मेरा husband गीला towel bed पे रख देता है, खराब हो जाता है bed. मेरी wife hotel जितना tasty खाना नहीं बनाती है. मेरे पापा हमेशा किट किट करते रहते हैं. मेरा बेटा कभी पढ़ाई नहीं करता है. My friends, these are the wrong behavior as per the time which can be changed, जो discuss करके, बात करके, वक्त के साथ बदला जा सकता है. उसका बिहेवियर रॉन्ग है, कैरेक्टर नहीं. क्या कभी हमने उनके कैरेक्टर के बारे में बात किया है कि मेरा हस्बैंड मेरे से बहुत अच्छे से बात करता है, मेरे से बहुत लॉयल है, बहुत अच्छा इंसान है. मेरी वाइफ पूरे घर को अच्छे से संभाल लेती है. मेरा बेटा मुझसे कभी झूठ नहीं बोलता है. मेरा फ्रेंड हमेशा मेरी तकलीफों में मेरे साथ रहता है. माई फ्रेंड्स, अगर हमें घर में खुश रहना है, शांति से रहना है, तो हमें दीवार का होना जरूरी है. तो ये दीवार हमारे घर का कैरेक्टर है, हमारी लाइफ का कैरेक्टर है. इसका होना जरूरी है. इसका इंटीरियर, ये बिहेवियर वक्त के साथ तो चेंज होते ही रहेगा. सो माय फ्रेंड्स, अगर हमें और रिश्तों को और हमारी लाइफ में एंजॉय करना है, तो इस बिहेवियर को इग्नोर करो और उनके कैरेक्टर को, उनके अंदरूनी कैरेक्टर को देखो, तो बहुत मजा आएगा. एंड यू विल स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग लाइफ इज
ब्यूटिफुल माई फ्रेंड्स, लाइफ इज ब्यूटिफुल। Once I was sitting with my one friend in his office. My friend is a manager at an old age home. We were just chit-chatting our old school things and we were just laughing and enjoying that particular moment. After some time, one volunteer of that old age home entered into his office. And he informed that one old lady wants admission in this old age home. So my friend and my manager friend and myself went to the reception. And I was just talking with the volunteer. Volunteer informed me that this old lady has actually lost her entire family in some accident. And then now there's no one to take care about her. So she wanted to admit herself into old age home. I was just standing with my friend over there on the reception. And my friend informed something to that old lady. My friend informed her that, ma'am, practically we don't have any room, but there's one room on third floor. So I was expecting that as she is 85 plus, she may just argue or say resist with this third floor. But she said something which was a very shocking thing for me. I was surprised actually. She said, wow, room on the third floor, it's good. It will be good exercise for my knees. It was very surprised for me, really surprised for me that 85 plus, how she'll be daily up and down. No matter, continue. With the volunteer, I was carrying her luggage and we were just going to her room. And in this meantime, my friend was informing some fact about the rooms and rules, regulation, that when the lunch will be available and XYZ. My friend informed her that the room is actually on that northeast corner, where because of so much of trees, there is darkness in the room is there. So that lady said, oh wow, nah? I can sleep for a long time, there will be no disturbance of too much of light. I was really, really amazed by this behavior. I thought she is a bit psychic. Pagalovi shayad se thodi. Fine, at the end of the conversation, we actually reached to the room. My friend just opened the door and the room was so tiny. 8 by 10 hardly, a bed was there and a small chair and a very small passage to move around. So my friend asked, grandma, is it okay, this room? She said, this is a wonderful room, son. No need of daily cleaning, no need of so much of dust and everything. God bless you, son. Now I was not controllable. I cannot control myself. And I thought she is actually mad. She is psychic. So we cannot keep so psychic people in this old age home. So my friends, actually with the concern, I asked the lady, grandma, now what is good about this dark room? You are 85 plus and actually, what is good that you want to do daily exercise on third floor? You can do normal walking exercise also. And how can you be happy with this tiny room? There is no even a place to move comfortably. My friends, that day, that moment, that lady said something. And that sentence have actually changed my life. The entire vision, the entire path of my life has changed with that one sentence. Do you want to know that one sentence which has changed my life? I'm very sure that after listening that words of that lady, even your path, your life path will change. That lady said something amazing. That lady said that when I lost my family, I decided to come to this old age home. This was not my first decision. This was my second decision. This was my secondary decision. My first, my primary decision was something else. My primary decision was to remain happy for anything, any decision. So my friends,
हैप्पीनेस इज द ओनली डिसीजन टू एनकाउंटर एनी सिचुएशन. दिस वर्ड्स ऑफ माई लेडी हैव चेंज दिस वर्ड माई लाइफ. सो फ्रेंड्स, बी हैप्पी इन योर लाइफ. Before doing any work, before moving out of your home, for doing anything, any work, be happy. And once you're happy, that aura, that feelings actually make your work well, your life well, and you will enjoy your life. Awesome. So my friends, be happy. Happiness is the only decision to encounter any situation. And I really hats off to that lady for teaching me this lesson. So my friends, be happy. At the end of seminar, people actually complain. They actually say that, you know, it is not possible, whatever you are saying, all this thing, life is beautiful and all this thing, you come to in our shoes and actually experience our life, it is not possible. You cannot say life is beautiful again and again. They are so frustrated and irritated that, Nirav, right now we are happy, but going home, going with that same workplace, that same thing, same people, it's very difficult. Yeah, it's very difficult. I actually cannot see this frustration and irritation and stress of my dear friends. So I just want to say that it is possible. How? Let us try to see with some one demo. In my magic box, there is one very good technique which will actually we can practice right now, and then you can say it is possible. Main hi bolunga possible hai, aap khud bolenge 5 minute ke baad ki it is possible and life is beautiful. So practice karna hai, chalo try karte hain. Just hold your hands like this, okay, and किसी का राइट थम ऊपर आता होगा या किसी का लेफ्ट थम, जो भी थम ऊपर आए दैट इज ओके, दैट डजंट मैटर. बट आपका हाथ आप इंटरमिंगल कर दीजिए एक दूसरे के साथ, ओके. नाउ अभी आपने जो हाथ अभी फोल्ड किया है, इंटरमिंगल किया है, इसका एक पोजीशन होगा, ओके. यू आर वेरी कंफर्टेबल, यू आर वेरी कंफर्टेबल. आप क्या करो, खोलो और पोजीशन चेंज करो. क्या लग रहा है, अनकंफर्ट, डिस्कम्फर्ट लग रहा है? नहीं नहीं, बदलो नहीं, ठीक है, चेंज करो. अभी कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ओके. चलो वापस से चेंज करते हैं, डिस्कम्फर्ट, चलो स्पीड में करते हैं, करते जाइए. यस, गुड गुड. अब मुझे बताइए कहां कंफर्ट है और कहां डिस्कम्फर्ट है, कहां कंफर्ट है. यस, बरोबर, दोनों सेम लग रहा है. तो अगर हम प्रैक्टिस करते जाएंगे, इफ यू प्रैक्टिस कंटिन्यूसली, देन इट बिकम्स लाइफ इज ब्यूटिफुल माई डियर फ्रेंड्स. सो इट जस्ट मैटर ऑफ प्रैक्टिस. सो माई फ्रेंड्स, इज इट रियली पॉसिबल? यस, दिस इज द वर्ड्स आई वॉन्ट टू लिसन, इज इट इज पॉसिबल. सो माई डियर फ्रेंड्स, लाइफ इज ब्यूटिफुल. वॉट एवर वी डिस्कस टूडे, वॉट एवर आई शेयर टूडे, this particular things is possible if we practice. It's just a matter of practice. With the time, it will change your life. And once you change your life in an all positive way, my dear friends, it is sure that you will experience life is beautiful. And the thing which I said before, that the first decision is to remain happy. When you do any new work, when you come with any new challenge, just feel that you are happy, and with this practice, of course, that happiness will actually go into your soul and around you, into your home also. So life is beautiful, my dear friends. Life is beautiful.